तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, कुड नॉट सेंड। और जब भी आप अपने व्हाट्सएप पर कोई भी स्टेटस लगाते हैं तो आपका स्टेटस सेंड नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऐप्स का, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल ऐप्स पर क्लिक कर देना है। ऑल ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप को ढूंढना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को ढूंढ लेता हूँ। व्हाट्सएप को ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जब भी आप स्टोरेज एंड कैचेस पे क्लिक करेंगे तो क्लियर स्टोरेज एंड कैचेस का, तो सिंपल से आपको क्लियर कैच पे क्लिक करना है। अगर क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा जो है वो चला जाएगा, अगर आपने बैकअप लेके नहीं रखा हुआ है तो आपको क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करने के बाद यहाँ से फोर्स स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक चले जाना है और मोबाइल की सेटिंग्स में ही आ जाना है आपको दोबारा से। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा नीचे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर अगर आपको वो वाली सेटिंग्स देखने के लिए नहीं मिलती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मोबाइल्स में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा सिस्टम का, तो सिस्टम पे क्लिक कर देंगे। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आपको ये वाली सेटिंग्स ढूंढनी है अपने मोबाइल में, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। ये सेटिंग्स आपको अगर नहीं मिलती है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको सर्च कर लेना है एंड ये वाली सेटिंग ढूंढ लेनी है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है और अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड अभी डाल रहा हूँ, तो आपको पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया, तो मैं दोबारा से डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल दिया, जो कि स्क्रीन लॉक होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप स्क्रीन लॉक डाल देंगे तो रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी नेटवर्क की सेटिंग रीसेट हो जाएंगी, अगर कोई भी नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो फिक्स हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को सर्च कर लेना है। तो व्हाट्सएप को सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर अपडेट मांगता है, तो जैसे कि अपडेट मांग रहा है तो मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपडेट होने देंगे। जैसे ही अपडेट हो जाता है व्हाट्सएप ऐप अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की जो पावर बटन है उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है। पावर बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको एक रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके में रिबूट का ऑप्शन होता है तो आप रिबूट पे क्लिक करेंगे, अगर आपके में रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है तो आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऐप को अपडेट हो जाने देंगे, उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे मोबाइल। जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा एंड ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को ओपन करना है और दोबारा से स्टेटस लगाना है, आपका जो स्टेटस है वो लग जाएगा। बस आपको अपने डाटा का भी ध्यान रखना है और ये भी चेक कर लेना है कि आपके सिम में डाटा है या नहीं है। बस इतना सब कुछ करने के बाद आपका स्टेटस लगना स्टार्ट हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।